बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां से अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है। दो दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है। केजरीवाल देखिए कह रहे हैं कि चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी से कोई और सीएम होगा केजरीवाल। तो दिल्ली की सरकार एक बार फिर से हिलती हुई डगमगाती हुई नजर आ रही है। कई दिनों के बाद या कहिए कई महीनों के बाद जेल से आए हैं अरविंद केजरीवाल। अब जेल से बाहर आते ही देखिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। दो दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे केजरीवाल। अब नए सीएम का चेहरा कौन होगा ये अभी एक विषय बन गया है चर्चा का। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या है वो सुनिए। आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान है। और इसमें एक बड़ी बात यह है, आप शंका डाल सकते हैं इसमें इस बात पे कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता से पूछूंगा, जनता की जो राय होगी उसके ऊपर उनकी सहमति के बाद अब देखिए नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन्होंने एक संघर्ष, बड़ा संघर्ष जो जेल के अंदर रहते किया, उनकी पार्टी ने भी किया, दिल्ली के अंदर जिस तरह से सियासत चरम पर रही है, अब उस सियासत में आप कह सकते हैं एक और बड़ा दाव अरविंद केजरीवाल का, बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल का जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि दो दिन के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी से कोई और सीएम होगा या होगी केजरीवाल, दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी, ये भी साफ कर चुके हैं। आप एक बार फिर से सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या बड़ी बात कही है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैं अब मैंने जैसे बताया दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले दो तीन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। दिल्ली में सरकारी स्कूल थे, गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी, गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। 16 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। टूटे फूटे टिन के स्कूल थे, डिब्बे थे, स्कूल क्या डिब्बे थे, कोई पढ़ाई नहीं होती थी, गरीबों के बच्चों का भविष्य खराब था। उन गरीबों के बच्चों को पिछले 10 साल के अंदर 18 लाख बच्चों को हमने सरकारी स्कूल अच्छे बना के भविष्य दिया है। हम ये कैसे कर पाए? हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, प्राइवेट में ले जाओ, लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी सीरियस बीमारी हो, छोटी सी बीमारी हो, 10-15 हजार रुपए कहीं नहीं गए, इन बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाओ। दिल्ली के अंदर हर सरकारी अस्पताल को शानदार बनाया, नए नए सरकारी अस्पताल खोले, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोला, लोगों की चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज, सबकी दवाइयां, सबके टेस्ट, पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली की महिलाएं जब बस में सफर करती हैं उनकी टिकट नहीं लगती,
बाकी देश की सरकारें घाटे में चल रही हैं, दिल्ली की सरकार ये सब दे सुविधा देने के बावजूद फायदे में चल रही है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के अंदर इतनी सुविधाएं, 24 घंटे बिजली आती है आज दिल्ली में, पहले 8-8 घंटे के पावर लगते थे। हम ये कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, कैसे? क्योंकि हम ईमानदार हैं। आज दिल्ली में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं, लोगों को तीर्थ यात्रा कराई जा रही है। इतने कच्ची कॉलोनियों के अंदर पिछले 75 साल में इतनी सड़कें और गलियां नहीं बनी जितनी पिछले 10 साल के अंदर हमें सड़कें और गलियां बना दी। 75 साल के अंदर दिल्ली में इतनी पानी की पाइपलाइन नहीं डली जितने पिछले 10 साल के अंदर पानी की पाइपलाइन डाल दी। कहां से आया पैसा? क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं, ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं। ये बिजली फ्री नहीं कर सकते, क्यों? ये बेईमान है। जानकारी हमारे सहयोगी विनीत हमें देंगे, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे, सीधे रुक करेंगे विनीत की तरफ। विनीत, देखिए केजरीवाल महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में चुनाव होने की बात कर रहे हैं, ईमानदारी का चोला पहन रहे हैं, लेकिन इन सबसे हटके वो ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा वो देंगे, 2 दिन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उनकी इस बात के मायने क्या निकाले जाएं? कौन बन सकता है पार्टी से अगला मुख्यमंत्री? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनेगा। लेकिन अगर हम इसके में साथ ही साथ इन बातों को भी अगर हम ध्यान दें, मैं केजरीवाल कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, वो यह भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव हो, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक बात यह भी बोली थी कि जनता ही अब फैसला करेगी कि क्या वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या वो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उन्होंने फिर से जनता के बीच जाने की बात कही है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब जनता का मैंडेट आ जाए, जब चुनाव हो जाए, वहां पर उसके बाद चूंकि वो हम ये कहेंगे कि फिर से जनता ने उन्हें चुन लिया है, इसीलिए वो सरकार, वो फिर से मुख्यमंत्री जो है वो कि वे शपथ ले सकते हैं या मुख्यमंत्री का पद जो है वो संभाल सकते हैं। लेकिन अब केजरीवाल का ये हम इसे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वह लगातार वह बीजेपी की ओर से या फिर अन्य पार्टियों की ओर से जो है वो लगातार यह बात कही जा रही थी, उनसे मांग की जा रही थी कि वो इस्तीफा दे। इसके साथ ही साथ अगर हम कोर्ट की जिस तरह से हमने जमानत दी है उसमें सशर्त जमानत जो है वो उन्हें दी थी, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी फाइल पर जो है वो साइन नहीं कर सकेंगे, साथ ही साथ वो जो है वो मुख्यमंत्री ऑफिस जो है वो नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ पर केजरीवाल के साथ एक व्यवहारिक दिक्कत भी थी, क्योंकि वो हालांकि भले ही वो कोर्ट में जेल से बाहर आ गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री की जितनी जिम्मेदारियां होती है या फिर मुख्यमंत्री के पास जितने कामकाज होते हैं उनको अपने कामकाज से रोकने की बात जो है वो कोर्ट ने कही थी, और इसीलिए केजरीवाल के लिए यहाँ पर एक व्यवहारिक दिक्कत भी थी, और कहीं ना कहीं वो एक सहानुभूति भी जो है वो जनता का बटोरना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर चुनाव भी अगर होने थे, अगर सही समय पर भी चुनाव होते तो फरवरी में जो है वो चुनाव होने थे, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें उसे प्रीपोन करने की बात की है, उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रीपोन कर दिया जाए, और उसके साथ ही साथ नवंबर में ही चुनाव करने की बात में कही है, तो अब 2 से 2.5 महीने का समय रह गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि केयर जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो केयर टेकर मुख्यमंत्री होगा। जिस तरह से अगर हम देखें कि अगर उनके आम आदमी पार्टी की फिर से दिल्ली में सरकार बनती है तो यह रास्ता भी केजरीवाल ने अपने लिए खोल रखा है। जैसा कि हम उनके भाषण में सुन रहे थे, उनके बयानों में सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगली बार चाहे के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने या फिर मनीष सिसोदिया जो है वो मंत्री बने, इसका फैसला जो है वो जनता करेगी। तो निश्चित तौर पर अगर अगली बार वो आम आदमी पार्टी को फिर से दिल्ली में सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिलती है या फिर बहुमत मिलता है तो निश्चित तौर पर अगली बार भी वे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है वो मंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल ने कहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा कार्यकाल नहीं बचा है और जो भी समय बचा है उसे प्रीपोन करने की बात उन्होंने में कर दी है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वो उनसे इस्तीफा मांग रही थी, चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, वो उनसे इस्तीफे की मांग कर रही थी, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं करारा जवाब जो है वो केजरीवाल की ओर से दिया गया है। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो केजरीवाल की ओर से पे चला गया है जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की बात की है। लेकिन अब यहाँ पर एक देखने वाली बात होगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री जो है वो कौन बनता है, क्या कोई विधायक ही मुख्यमंत्री? अब ऐलान तो अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री होता कौन है
ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत कुमार जानकारी के लिए। देखिए 13 सितंबर को जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि जेल से एलजी को चिट्ठी लिखने पर मुझे धमकी दी गई। भारत के अंदर एक क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जेल गया, मैं अभी जेल गया, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था एलजी साहब को, 15 अगस्त था, देश का स्वाधीनता दिवस था, देश के आजादी के दिवस के ऊपर दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा फहराता है। मैंने एलजी साहब को 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी, 15 अगस्त के 3 दिन पहले, कि एलजी साहब मैं चूंकि जेल में हूं, मेरी जगह आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। कुछ गलत तो नहीं लिखा? वो चिट्ठी मेरी एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई गई, मुझे चिट्ठी वापस करी गई और मेरे को ये वार्निंग जारी की गई। ये वार्निंग भी लेके आया हूं, जिंदगी भर साथ रखूंगा ये मेरी। मेरे को वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर आपने एलजी साहब को चिट्ठी लिखने की हिम्मत करी तो आपके साथ जो फैमिली मुलाकात होती है हर हफ्ते, वो फैमिली मुलाकात बंद कर दी जाएगी।